ओम शांति। मैं बीके आर्ष भाई, प्रश्न कहीं से उत्तर मधुबन से की इस एक और श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी कुमार भाई अच्छे होंगे, आप सभी का पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ रहा होगा। आज हमारे बीच में आदरणीय ललित भाई जी हैं। भाई जी, आज कुमार भाइयों का प्रश्न है कि ऑफिस प्रेशर भी होता है, घर की भी जिम्मेवारियाँ होती हैं और स्वयं की भी सेवा होती है, तो ऐसे में हम कैसे पुरुषार्थ द्वारा बेहद की वैराग वृत्ति को प्राप्त करें। आपने जो प्रश्न पूछा है उसी में उसका उत्तर समाया हुआ है। उसको हम अगर पीछे से चालू करें, अगर हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति हो जाती है तो बाकी सब चीजों में बैलेंस करना बहुत आसान हो जाता है। हम बैलेंस करके बेहद की वैराग्य वृत्ति करना चाहते हैं, ये एक रिवर्स प्रोसेस है। पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति है और फिर बैलेंस है, और वो स्वतः होता है। और बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति माना मैं आत्मा हूं, इस प्रकृति के मध्य बैठकर इस शरीर से सारा मैं कारोबार करा रहा हूं, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं, मैं खुशी हूं और मेरा बाबा है और बाबा जो कहे वो मुझे करना है। ये कुछ बेसिक बातों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपना रूटीन कार्य कर रहे हो तो मैंने देखा है कि हमको पता भी नहीं लगता और कैसे चीजें ठीक होती जाती और सब राइट सेट हो जाती है। फोकस हमारा पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति की समझ और उसको लाइफ में लाने की बात है, फिर बाकी की चीजें सब ऑटोमेटिक होती जाएगी और उसके लिए आत्मिक स्थिति का निरंतर अभ्यास, अपने को भी आत्मिक के रूप में देखना और हर एक आत्मा जो हमारे संपर्क में आवे उसको भी उसी रूप में देख के बाबा की सकाश देना, ये मैं समझता हूं कि करने से सहज हो जाएगा। कई भाई बहने ऐसे समझते हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति मतलब हमारा ये घर भी नहीं है, हमारा परिवार भी नहीं, हमारा ये शरीर भी नहीं, हमारा ऑफिस भी नहीं, बिजनेस भी नहीं, हमारी ये दुनिया से भी कोई लेना देना नहीं है, बस ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। पर इस बारे में मेरा दूसरा मंतव्य है, हमें जो पार्ट मिला है उसे प्रेम से स्वीकार करना है। हम एक्चुअली आत्मा क्या है? आत्मा प्रेम है, तो हमें पार्ट को प्रेम से स्वीकार करते हुए उपराम रहना है। ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है और वो उपराम कैसे है? जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हुए बाबा के साथ निरंतर कनेक्ट रहें और हरेक को उसी आत्मिक रूप में देखते रहें, ये उसका पॉजिटिव अप्रोच है। छोड़ना 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 ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। तो छोड़ना तो वो ऑटोमेटिक ही छूटेगा, उसके लिए हमको कुछ करना नहीं है। किसी कमरे से अंधेरे को भगाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, केवल एक बल्ब चालू करना है तो अंधेरा भाग जाएगा। तो ऐसे ही जब हमारी आत्मिक स्थिति और बाबा के साथ का कनेक्शन वो जितना पक्का होता जाएगा, ये दुनिया हमारे लिए वैसे ही जैसे मरी पड़ी है ऐसा अनुभव होगा। उसको छोड़ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कहीं हमारी आंख डूबेगी ही नहीं, चाहे व्यक्ति वस्तु स्थान घटना कहीं भी हमारी आंख नहीं डूबेगी और जैसे सहज चीजें जो है वो हो रही है और वो सहज किसी साथ में मोह या अटैचमेंट हमारा नहीं होगा और यही बेहद की वैराग्य वृत्ति है।